हेलो एवरीवन, हम के सिंह और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम आप सभी के बीच में उपलब्ध हैं। हम आप सभी के बीच में एक बेहतरीन चीज़ और बेहतरीन टॉपिक है जो आपके साथ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वॉच केयरफुल एंड केयरफुली एंड प्लीज़ वॉच एट द एंड गाइस, अंत तक जरूर आप देखें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अंत तक देखते हैं तो आपको जो टॉपिक होती है वो क्लियर हो जाती है। और आज की जो टॉपिक है वो वर्ब, हम लोग वर्ब को समझेंगे। और जो वर्ब जो होती है ना, किसी सेंटेंस की आत्मा होती है। वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस। आइए समझते हैं कैसे वर्ब जो होती है किसी सेंटेंस की आत्मा होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आज की टॉपिक है वो हम वर्ब पे बात करेंगे सर। तो जो वर्ब होता है ना, कभी भी आप देखना, जो वर्ब होता है वो जो होता है सोल ऑफ सेंटेंस, सोल ऑफ सेंटेंस। वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस सर। सोल मतलब होता है आत्मा। जैसे कि आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य के अंदर एक आत्मा है जिसके थ्रू हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं एक आत्मा के ही दम पे करते हैं। सोल को ही एनर्जी कही गई है, हमारे अंदर एनर्जी है तभी हम बोल रहे हैं सर। तो याद रखिए, किसी सेंटेंस की जो वर्ब होता है ना, वो सेंटेंस की आत्मा है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो सेंटेंस डेड हो जाएगा। सो कीप इन योर माइंड, किसी सेंटेंस के वर्ब्स को आप निकाल दीजिए तो सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं दे सकता है, कोई भी सेंस नहीं देगा। तो ये जो आज की टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए आप जरूर इसे अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि वर्ब जो होता है वो सोल ऑफ सेंटेंस होता है सर। कैसे सोल ऑफ सेंटेंस होता है, आइए देखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं सर, आई प्ले क्रिकेट। इसमें आई जो है वो प्रोनाउन है, जैसा कि मैं आपको बता भी दिया हूं। और ये जो क्रिकेट है ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन के रूप में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। अब इसमें जो है प्ले जो है, यह एक वर्ब है। प्ले जो है यह एक वर्ब है। और देखेंगे ये जो इस वर्ब को यदि हम निकाल देते हैं तो आई, अगर हम ऐसे लिखे आई क्रिकेट, आई क्रिकेट सर, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, यदि यह सेंटेंस डेड हो गया सर। लेकिन जैसे ही हम इस बात को कहते हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ऐसा लगता है कि सेंटेंस जिंदा है, ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस जिंदा है। क्योंकि क्रिया जब होगी ना, जब तक हम कार्य करते हैं जिंदा है सर, डेड बॉडी काम नहीं करती है सर, याद रखना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं वर्ब की डिफिनेशन। ये भी एक वर्ड ही होता है, करेक्ट, वर्ब इज ए वर्ड, यह भी एक वर्ड ही होता है, विच डिक्लेयर्स और टेल समथिंग अबाउट अनदर वर्ड, या किसी दूसरे वर्ड के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जैसा कि ये प्ले आपको आई के बारे में बता रहा है, आई प्ले क्रिकेट, यानी इसके बारे में जरूर बताता है। यानी यह जो होती है वर्ब जो होती है, कह रहा कि टेल समथिंग, कुछ बताता है अबाउट अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड जो कि पार्ट ऑफ सेंटेंस का दूसरा भी वर्ड होता है उसके बारे में बताता है। अगर वर्ब ना रहे तो सेंटेंस डेड ही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देयर कैन बी नो सेंटेंस, करें कोई सेंटेंस ही नहीं हो पाएगा विदाउट ए वर्ब, विदाउट ए वर्ब, ठीक है, किस बिना किसी वर्ब के कोई सेंटेंस की आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि सेंटेंस जिंदा है तो वर्ब के आधार पर जिंदा है, ठीक है। आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ब्स, क्रिया कैसा कार्य करता है, क्रिया का फंक्शन क्या है और फिर वो करता क्या है सेंटेंस में। सबसे पहले देखेंगे वर्ब्स ऑफ बीइंग, कहने का मतलब ए वर्ब मे टेल, जो हमें बताता है व्हाट द सब्जेक्ट इज, यानी सब्जेक्ट आखिर है क्या, सब्जेक्ट था क्या, एंड सब्जेक्ट विल बी, सब्जेक्ट होगा क्या, यानी करता क्या है, क्या था और क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल यह है द एप्पल इज स्वीट, जो सेव है वो मीठा है, प्रेजेंट में उसका होना बता रहा है सर। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं द एप्पल वॉज सावर, ठीक है, सावर मतलब खट्टा था, तो ये पास्ट की बता रहा है। कह रहा है कि सी विल बी अ डॉक्टर, सी विल बी अ डॉक्टर का मतलब वह जो है डॉक्टर होगी, यानी यह सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है,
क्या था और क्या होगा। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वर्ब्स ऑफ बीइंग, वर्ब्स ऑफ बीइंग यानी कहना कि वर्ब में टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज वाज एंड व्हाट विल बी। ओके गाइस आगे देखिए, दूसरा जो है वर्ब्स ऑफ पोसेशन, वर्ब्स ऑफ पोसेशन जो है वो देखिए, यह जो है पोसेशन का मतलब होता है अधिकार से, अधिकार जिसके पास, जैसे मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, ये आपको पोसेशन यानी पोसेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, ओके आई हैव अ सन, तो ये पोसेशन बता रहा है। वही कह रहा है कि वर्ब में टेल व्हाट द सब्जेक्ट हैज, यानी सब्जेक्ट के पास क्या है। अब हैज है आपको बता दे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगाते हैं। हैड क्या सब्जेक्ट के पास था, एंड विल हैव क्या सब्जेक्ट के बाद होगा। तो फॉर एग्जांपल आप देख पाएंगे, ही इज अ रेड पेन, सॉरी ही हैज अ रेड पेन, ही हैज अ रेड पेन का मतलब होता है उसके पास एक लाल कलम है, यानी ये जो हैज क्या कर रहा है, पोजीशन को दर्शा रहा है। वी इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी हैव अ न्यू बुक्स, वी हैव न्यू बुक्स, हमारे पास नई किताबें हैं। ही हैड ए डॉग, उसके पास क्या है, उसके पास क्या था, एक कुत्ता था। ठीक है, अगर फ्यूचर में ले लेते हैं तो हो जाएगा ही विल हैव ए न्यू मोबाइल, उसके पास एक नई मोबाइल होगी, है ना सर। तो ये विल हैव हो या हैज हैव हो या हैड हो, ये पोसेशन को दर्शाता है, तो वर्ब ये भी बताता है। ठीक है, तीसरा जो है वर्ब जो है कैसा फंक्शन करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ब्स ऑफ डूइंग यानी वर्ब जो है कार्य को दर्शाता है। वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यहां मैं कह सकता हूं वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यहां पे वर्ब जो है एक कार्य को ही दर्शाता है, मतलब कार्य क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, ए वर्ब में टेल बता रहा है व्हाट द सब्जेक्ट डू, सॉरी डज, क्या सब्जेक्ट करता है, डिड क्या किया था, एंड विल डू क्या करेगा। ठीक है, वर्ब्स ऑफ डूइंग यही बताता है यह किसी कार्य को ही दर्शाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ती है, तो यानी यहां पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये किताब पढ़ने का काम कर रहा है ना। फिर ही रोट ए लेटर, वह जो है एक लेटर जो है लिखा था। वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे, तो यानी यहां पे कार्य ही दर्शा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो वर्ब होता है ना वर्ब एक्सप्रेसिव एनेक्सर कार्य को ही दर्शाता है अधिकतर वर्ब। ठीक है, बाकी पोसेशन तो दर्शाता ही है, आखिर वर्ब है क्या ये भी तो दर्शाता ही है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। करेंगे वर्ब में टेल व्हाट हैपेंस, क्या घटित होता है, हैपेंड क्या घटित हुआ, एंड विल हैपेंड क्या घटित होगा टू द सब्जेक्ट। अच्छा, चूंकि होता क्या है ना, सब्जेक्ट के साथ कभी घटनाएं भी हो जाती है, क्योंकि वो तो करता ही है, वो उसका होना भी है, उसके पास जो है उसको पोसेशन को भी दर्शाता है, लेकिन कभी कभी कर्ता के साथ कुछ हो भी जाता है, घटित हो जाती है, वो चाहता नहीं है, जैसे कोई मरना नहीं चाहता सर, कोई मरता है तो चाहता नहीं है ना, वो तो घटना ही हुई ना सर, वो घटना होगी, कोई मर गया वो भी घटना हुई उसके साथ, कोई मरेगा ये भी घटना होने वाली है सर, तो कभी कभी हैपन होता है, घटित होता है ना। और सब्जेक्ट सब क्या घटित होता है ये भी दर्शाता है वर्ब। देखिए, द ओल्ड मैन डाइज, ये नेचर है सर, ये प्रेडिक्ट है, आपको मरना कंफर्म है इस दुनिया में। सबसे अगर सच्चाई की बात कर दी जाए, अगर सत्य की बात कर दी जाए, तो ये सत्य है हमें मरना है, लेकिन फिर भी हम इंसान जो है इतनी भाग दौड़ में, इतने पैसे रुपये धन दौलत के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, हम सब भूल चुके हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मरना तो सत्य से, क्यों गलत करके हम मर रहे हैं, क्यों गलत करके मरे सर, कुछ अच्छा करके मरे, अच्छी बात है। द ओल्ड मैन डाइड, मर गया था, द ओल्ड मैन डाइड है ना। अब यहां देखिए, द ओल्ड मैन विल डाई, वृद्ध आदमी मरेगा, ये तो सत्य है सर, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओल्ड मैन ही मरेंगे, किसी को भी मरना कंफर्म है, कभी भी नवजात शिशु मर जाता है, यंग आदमी मर जाता है, तो घटनाएं तो होती है, तो कभी कभी एक्शन ये भी दर्शाता है। तो यहाँ पे डाई जो है मरना एक वर्ब है सर, डाई।
अगला जो कह रहा है कि ए वर्ब देख लेंगे, ए वर्ब मे टेल व्हाट इज डन, क्या हुआ है, वाज डन क्या हुआ था, एंड व्हाट विल बी डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया। कभी कभी ये भी बताता है सब्जेक्ट कुछ करता है उसके द्वारा हो जाता है किया जाता है। सपोज एक इसको पैसिव वॉइस हम बोल सकते हैं, ये पैसिव वॉइस में है, जैसे मुझे मारा जाता है क्योंकि मैं थोड़े नहीं मारता हूं, बीटेन, आप क्या बोलोगे, आम बीटेन, क्या बोलोगे, आई एम बीटेन, मुझे पीटा जाता है ना सर। तो देखिए सब्जेक्ट के साथ जो है कुछ हुआ है, कुछ होता है ना जी, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट खुद अपने आप को पीटता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसको पीटा जाता है किसी के द्वारा। तो ये भी यानी पैसिव वॉइस के बारे, पैसिव वॉइस में भी वर्ब के ही महत्वपूर्ण चीज है, वर्ब ही बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ब के ही माध्यम से, यानी यहाँ भी एक्शन को ही एक्सप्रेस किया जा रहा है। सपोज देखिए ए लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, ए लेटर वॉज रिटन, एक पत्र लिखा गया था है ना, ए लेटर विल बी रिटन, एक पत्र लिखा जाएगा। ये सारी चीजें जो है वर्ब ही एक्सप्रेस करता है, वर्ब ही एक्सप्रेस करता है। तो वर्ब जो होता है ना वो सेंटेंस की आत्मा होती है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, क्योंकि ये बेस है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, उसके बाद जो वर्ब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब्स हम लोग देखेंगे, यानी क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज दिस, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।